हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए विस्तार पूर्वक स्वयं अपनी नाभि ठीक करना बताती हूँ। आप ठीक तरीके से और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सकें कि आप अपनी नाभि कैसे पता लगा सकते हैं कि नाभि खिसकी है या नहीं खिसकी और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब मैं आपके लिए बताती हूँ, आप इस तरीके से इन दोनों चांदों को बिठाते हुए ये पता लगा लेते हैं। ये वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ लेकिन काफ़ी बहन भाइयों की कमेंट्स आई है कि हमारे समझ में नहीं आया, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और एंड तक पूरी वीडियो देखें ताकि आप समझ सकें। इसलिए मैं आपके लिए बताती हूँ कि इस रेखा का मिलान करते हुए आप इस तरीके से देखें तो आपकी छोटी वाली जो उंगली है इसमें जो आपको छोटी बड़ी लगे, छोटी बड़ी का अंतर आए तो आप समझ जाएँ कि आपकी नाभि टली हुई है, अन्यथा आपकी नाभि में कोई फ़र्क नहीं है। अब मेरी नाभि में कोई फ़र्क नहीं है लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मेरी दोनों ही उंगली एक समान आ रही हैं। और अगर आपकी राइट हैंड की उंगली थोड़ी छोटी आए तो आपको लेफ़्ट हाथ पर मसाज करनी है, और अगर लेफ़्ट हाथ की उंगली थोड़ी छोटी आए तो आपको राइट हैंड पर मसाज करनी है। अब मैं आपके लिए मसाज का तरीका बताती हूँ। पेट पर मसाज करने से आपको बाद में दुखन होती है लेकिन हाथ पर मसाज करके आप स्वयं अपनी नाभि ठीक कर सकते हो। इसलिए आप इस तरीके से अपने हाथ को लें और आप कोहनी के यहाँ से इस पर थोड़ा ऑयल लगा लें और इस तरीके से आप ऑयल लगाकर और ज़्यादा गहराई से आपको इस तरीके से अपने अंगूठे से अपने हाथ को इस तरीके से आपको इसकी मसाज करनी है। बहुत ही गहरे तरीके से आपको इसकी मसाज करनी है और इस मसाज को आप इस तरीके से करते रहें। ये आपको कम से कम 5 मिनट तक गहराई से करनी है। आपके हाथ में थोड़ा दर्द होने लगेगा लेकिन दर्द हो तो आप समझ जाएं नाभि ठीक होने वाली है। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप हाथ को कोहनी के ऊपर इस तरीके से प्रेशर देते हुए एक हाथ में झटका लगा लें। इससे क्या है कि आपकी नाभि की नस में थोड़ी इस जगह पर अकड़न आ जाएगी और उस अकड़न के आने से आपकी नाभि दोबारा नहीं टलेगी। आपकी नाभि जब भी डिस्टर्ब हो आप इस तरीके से अपनी नाभि स्वयं ले सकते हैं। आपको यही प्रयोग करके आप किसी दूसरे की नाभि भी ठीक कर सकते हैं और अपनी नाभि को स्वयं ठीक करने का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं सभी तरीकों में सबसे ज़्यादा बेस्ट इसी तरीके को मानती हूँ और आपकी कमेंट्सों को पढ़ने के बाद मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई है ताकि आप पूरी तरीके से देखें, समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।